वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, ईमेल प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर सर्टेन रूल्स विच डिटरमाइन हाउ डेटा शुड बी ट्रांसफर्ड ओवर नेटवर्क, कंप्रेस्ड, प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन एंड सो ऑन। देयर दीज सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल। जो ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये होते हैं सेट ऑफ रूल्स जो क्या डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारा डेटा है किस तरह से ट्रांसफर होगा, नेटवर्किंग के थ्रू कैसे डाटा ट्रांसफर होगा, कैसे इसको सेंड करेंगे और रिसीव करना है, कैसे हमारी स्क्रीन पे ये प्रेजेंट होगा डेटा। इन सबके जो रूल्स हैं वो क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। लाइकवाइज देयर आर मैनी अदर प्रोटोकॉल्स ईच वन गवर्निंग द वे अ सर्टेन टेक्नोलॉजी वर्क्स। हेंस द बेसिक नीड ऑफ प्रोटोकॉल इज टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस एंड वेज टू कम्युनिकेटिंग ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। इस तरह से बहुत सारे जो है प्रोटोकॉल्स हैं जो टेक्नोलॉजी जो वर्क करती है उसको क्या है, गवर्न करते हैं। ईच वन गवर्निंग, जो हर प्रोटोकॉल है उसका अपना अपने सेट ऑफ रूल्स हैं। इसकी जो बेसिक नीड है, द बेसिक नीड ऑफ प्रोटोकॉल्स टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस, उनके लिए क्या है, रूल्स फिक्स करना, स्टैंडर्डाइज करना प्रोसेस को और वेज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन होगा, कैसे डेटा सेंड होगा और रिसीव होगा, उसकी प्रोसेस को क्या है, स्टैंडर्डाइज करते हैं। नेक्स्ट है TCP/IP प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं TCP/IP के बारे में। नेक्स्ट है ईमेल प्रोटोकॉल्स। द ईमेल प्रोटोकॉल्स आर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर रिट्राइविंग मैसेज एंड मैनेजिंग मेल बॉक्सेज। जो ये ईमेल प्रोटोकॉल्स हैं ये किस लिए डिजाइन किए गए हैं, जो ये क्या है, हमारे ईमेल के मैसेजेस को रिट्राइव करते हैं, इनके थ्रू हम उसको ओपन कर सकते हैं और हमारे मेल बॉक्स को, जो हमारा इनबॉक्स है होता है जिसमें मेल्स वगैरह होती है, उनको मैनेज करते हैं। दैट्स वाई क्लाइंट एप्लीकेशन यूजली यूज आइदर द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और द इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसीलिए जो हमारी क्लाइंट एप्लीकेशन है जैसे जीमेल वगैरह है, वो या तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज करते हैं या इंटरनेट एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP टू एक्सेस देयर मेल बॉक्स अकाउंट्स ऑन ए मेल सर्वर फॉर रिसीविंग मैसेज। ये या तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज करते हैं या इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यूज करते हैं मेल बॉक्स को, हमारे अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, कहां से, मेल सर्वर से एक्सेस करके मैसेजेस को रिसीव करते हैं। यूजर लेवल क्लाइंट मेल एप्लीकेशन जनरली यूज SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू अ मेल सर्वर। नॉर्मली जो यूजर लेवल क्लाइंट जीमेल है जैसे और वेब मेल वगैरह है, जो नॉर्मली कौन से हैं, SMTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं कोई भी मैसेजेस को मेल सर्वर पे सेंड करना हो। फर्स्ट SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल ट्रांसमिशन। जो ये क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसके ईमेल के ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। SMTP इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर एंड द अदर मेल ट्रांसफर एजेंट टू सेंड एंड रिसीव मेल मैसेजेस। जो SMTP कौन यूज करता है, जो मेल सर्वर और अदर मेल ट्रांसफर एजेंट है, जो मेल्स को ट्रांसफर करते हैं टू सेंड एंड रिसीव मेल मैसेजेस। मेल मैसेजेस को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए जो मेल ट्रांसफर एजेंट है, जो सर्वर है, वो SMTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। यूजर लेवल क्लाइंट मेल एप्लीकेशन जनरली ओनली यूज SMTP फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू ए मेल सर्वर फॉर रिलेइंग। मेनली जो क्या है, SMTP जो प्रोटोकॉल है यूज होते हैं यूजर लेवल क्लाइंट पे, जो जिसके थ्रू हम मैसेजेस को मेल सर्वर पे सेंड करते हैं फॉर रिलेइंग, उसको उस मैसेज को आगे पास आउट करने के लिए हम मेल सर्वर पे हम मैसेजेस को सेंड करते हैं जिससे आगे हमारे डेस्टिनेशन पे पास आउट कर दिया जाता है SMTP के थ्रू। नेक्स्ट, सेंड मेल वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेल ट्रांसफर एजेंट टू इम्प्लीमेंट
SMTP. Some other popular SMTP server programs include Postfix, Gmail, Microsoft Exchange Server. जो सेंड मेल क्या है, फर्स्ट मेल ट्रांसफर एजेंट है जो मेल ट्रांसफर करता है SMTP. सम अदर पॉपुलर SMTP सर्वर और कौन से है SMTP सर्वर प्रोग्राम्स, पोस्टफिक्स, क्यूमेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर. वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द SMTP इज दैट इट हैज नो फैसिलिटी फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ सेंडर्स. स्पैम इज इनेबल्ड बाय सेवरल रीजन आर अलाउ स्पैमर्स टू सेंड स्पैम. इसकी जो एक लिमिटेशन है, जो इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता सेंडर का, कोई इसकी आइडेंटिकेशन नहीं होती है. इसमें कोई भी मैसेज को सेंड करता है तो उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं होती है, जिसके थ्रू स्पैमर्स को स्पैम्स सेंड करते हैं, जो अनवांटेड ईमेल्स हैं जो हमारे पास आती हैं, इसीलिए इसके थ्रू आती है SMTP, क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन, सेंडर की ऑथेंटिकेशन नहीं होती है और हमारे पास बहुत सारी स्पैम आ जाती हैं और जिससे हमारा मेल बॉक्स भी फुल हो जाता है.